कहानी ट्रेन। ये ट्रेन रोज रुकती है नए स्टेशन पर, मिलाती है आपको एक नई कहानी और कई नए किरदारों से। तो सब सवार। आज की कहानी है कुकू के सवाल। इसे लिखा है पवन दहिया ने। हाँ हाँ, मुझे पता है आप सभी को याद है कि कहानी को ध्यान से सुनना है, क्योंकि कहानी पर बातचीत जो करनी है। एक दिन कुकू ने पापा से पूछा, पापा आपने हवा को देखा है? नहीं। तो फिर सब क्यों कहते हैं कि हवा चलती है? कुकू ने फिर पूछा। हाँ सब सही कहते हैं, पापा ने बताया। जब किसी ने हवा को देखा ही नहीं तो कैसे पता चलता है कि वो चलती है? पापा कुछ सोचते हुए बोले, बेटा हवा दिखाई नहीं देती, लेकिन जब वो चलती है तो सबको पता चल जाता है। लेकिन कैसे पता चलता है? जैसे सूरज के निकलने पर पता चलता है कि सुबह हो गई, और सूरज ढलने पर पता चलता है कि रात हो गई। तुम्हारे स्कूल के शुरू होने का पता भी तो घंटी बजने से लगता है, ठीक वैसे ही हवा के चलने का भी। पापा अपनी बात पूरी करते उससे पहले ही कुकू बोल पड़ी, पत्तों के हिलने, कपड़ों के उड़ने और सांस लेने से हमें पता चलता है कि हवा चल रही है। बिल्कुल ठीक कहा कुकू तुमने। भाई वाह, बहुत ही मजेदार कहानी है। जरा आप भी तो बताइए, आपको कैसे पता चलता है कि हवा चल रही है? मुझे कुकू का सवाल पूछना बहुत अच्छा लगा। आपको इस कहानी में क्या अच्छा लगा और क्यों? क्या आप भी कुकू की तरह सवाल पूछते हैं? आप किससे और क्या क्या सवाल पूछते हैं? अच्छा ये बताइए कि बिना पैर के क्या क्या चलता है? जैसे पैर है ना पंख है, फिर भी ये हवा चलती है, काम चलता है, पैसे भी चलते हैं। आप भी सोचिए कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसके पांव नहीं हैं, फिर भी वो चलती हैं। इसका एक वीडियो बनाइए और अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए। आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ये कहानी आपके लिए लाए रेखता, नई धारा और प्रथम।